एक सिद्धांतकार ने दावा किया है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से आ रही लाइव स्ट्रीमिंग में पृथ्वी के आसपास 7 यूएफओ को चक्कर लगाते हुए देखा गया है। इसके साथ ही सिद्धांतकार का मानना है कि संभावित रूप से एलियन हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से इतने यूएफओ को देखना इस बात का सबूत है कि आने वाले 15 सालों में इंसान एलियनों से मिल सकेंगे। ये सभी दावे ग्राहम नाम के कॉन्सपिरेसी सिद्धांतकार ने किए हैं। अब ये दावा कितना सही है कितना गलत कोई नहीं जानता। सिद्धांतकार ने एक अंग्रेजी वेबसाइट को बताया कि यूएफओ देखने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी होने से अंदाजा लगा सकता है कि एलियन बहुत जल्द हमसे संपर्क साधना चाहते हैं। हम पर लगातार नजर रखी जा रही है और पृथ्वी को एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मेरा मानना है कि एलियंस हमसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी दूरी को आसानी से सफर करने की उनकी तकनीकी क्षमता के अनुसार वह हमें आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इसलिए माना जा सकता है कि वह हमारे दुश्मन नहीं है। ग्राहम के द्वारा पेश किए गए सबूत 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की लाइव फीड से प्राप्त किए गए हैं, जो कि ब्रिटेन के समय अनुसार रात 11:20 से 11:50 के दौरान की है। उसके बाद उन्होंने संपादित वीडियो को अपने YouTube चैनल कंस्पिरेसी डिपो पर लगाया। उन्होंने आगे कहा कि एलियन और उनकी तकनीकी क्षमता की मदद से पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल बदल सकता है। हम नई दवाएं, तकनीक आदि का निर्माण कर सकेंगे, साथ ही एलियन की दूसरी खतरनाक प्रजातियों से भी रक्षा कर सकेंगे। हालांकि कई लोगों ने इस दावे को ये कहते हुए नकार दिया कि ये विसंगतियां चीनी अंतरिक्ष केंद्र तियांगोंग वंग से संबंधित होंगी, जो केंद्र के नष्ट होने के बाद घूम रही है। धरती से दूर जीवन की खोज में लगे वैज्ञानिकों के लिए एलियन को देखना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। एक प्रमुख भौतिक शास्त्री मिकियो काकू ने हाल ही में दावा किया कि एलियन से पहली मुलाकात के लिए वैज्ञानिकों समेत सभी धरतीवासियों को अगली सदी तक इंतजार करना होगा। उन्होंने दावा किया कि अगली सदी तक इंसान दूसरे ग्रह के जीवों तक पहुंच सकेगा। न्यूयॉर्क स्थित सिटी यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉ काकू ने कहा कि रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे ग्रह के जीवों की बातचीत को सुनना भी जल्द ही संभव हो सकेगा। विचार विमर्श के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट रेडिट के AMA Ask Me Anything में काकू ने यह बात कही। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि धरती वासियों और एलियन की पहली मुलाकात किस तरह की होगी। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात दोस्ताना होगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। काकू का कहना है कि दूसरे ग्रह के वासियों की भाषा समझना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का सबब होगा। वह पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर होंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें सुना जा सकेगा, उनसे बातचीत संभव नहीं होगी। उनके धरती पर आने के संदर्भ में काकू ने कहा कि यह हॉलीवुड फिल्म वॉर ऑफ वर्ल्ड जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वे शांत होंगे या हाहाकारी होंगे। दोनों ही सूरतों में यह मुलाकात दिलचस्प होगी, वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का सबब होगा। वह पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर होंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें सुना जा सकेगा, उनसे बातचीत संभव नहीं होगी। उनके धरती पर आने के संदर्भ में काकू ने कहा कि यह हॉलीवुड फिल्म वॉर ऑफ वर्ल्ड जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वे शांत होंगे या हाहाकारी होंगे। दोनों ही सूरतों में यह मुलाकात दिलचस्प होगी। दूसरे ग्रह के जीवों की खोज में दुनिया के कई देशों के खगोल शास्त्री लगे हुए हैं। कई बार यूएफओ देखने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था नासा इस तरह के दावों को नकारती रही है। रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द दूसरे ग्रह के जीवों की बातचीत सुनना संभव हो सकेगा। हॉलीवुड फिल्म वॉर ऑफ वर्ल्ड जैसी हो सकती है एलियन और इंसान की पहली मुलाकात।